नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नेचुरल गार्डन से कुछ नेचुरल सब्जियों की हार्वेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंगन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इस बैंगन को गिलहरी या पक्षी ने खाया हुआ है और इसके बाद हम दूसरे बैंगन की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इस बैंगन की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। यह पत्तों के नीचे छुपा हुआ है और काफ़ी बड़े साइज का भी है। अभी हमारे नेचुरल गार्डन में यह एक छोटा सा खरबूजा भी लगा हुआ है। यह हमने खरबूजे की हार्वेस्टिंग कर ली है और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और यह देखिए, जून का महीना चला हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, फिर भी हमें खाने के लिए कुछ टमाटर अपने नेचुरल गार्डन से मिल रहे हैं। गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से टमाटर का साइज छोटा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से उगाने की वजह से इन टमाटर का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। यह हमारे चेरी टमाटर के प्लांट हैं। कुछ टमाटरों को गिलहरी व पक्षी भी खा जाते हैं। इसके बाद हम बीन्स की हार्वेस्टिंग करेंगे और यह सब्जियां हमने बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से उगाई हुई हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है। यह हमने बीन्स की हार्वेस्टिंग कर ली है। इसके बाद करेलों की हार्वेस्टिंग करेंगे। और यह देखिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के करेले लगे हुए हैं और यह करेले भी हमने बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से उगाए हुए हैं। तो प्राकृतिक रूप से उगाने की वजह से इन सब्जियों का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है और धीरे धीरे हम करेलों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छी संख्या में करेले लगे हुए हैं। हम अपने छोटे से नेचुरल गार्डन में अपने लिए प्राकृतिक सब्जियां उगा लेते हैं और हमें मार्केट से सब्जियां लाने की जरूरत नहीं होती। और हमने अपने नेचुरल गार्डन में बहुत सारे फलों के पेड़ भी लगाए हुए हैं और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ भी हो रही है। कुछ समय के बाद हमें फलों को भी लाने के लिए मार्केट की जरूरत नहीं होगी। और अभी हमारे नेचुरल गार्डन में तोरी भी लगी हुई है और यह तोरी का बीज देसी तोरी का बीज है। बहुत ही अच्छी संख्या में तोरी लगी हुई हैं। काफ़ी लंबी लंबी तोरियां लगती हैं। देसी बीज होने की वजह से इन बेलों के अंदर बहुत ही कम बीमारियां आती हैं। और यह देखिए, काफ़ी संख्या में तोरी लगी हुई हैं। और जब मानसून शुरू होगा, मानसून में तो इन कुछ बेलों पर ही बहुत ही ज़्यादा संख्या में तोरियां लगती हैं।
और यह बेल हमने स्वयं ग्रो नहीं की है। पिछले साल का बेल का जो वेस्ट बच गया था वह हमने बेड के बराबर में बनी हुई नाली में डाल दिया था। उसके अंदर कुछ बीज भी थे, उन बीजों से ही अपने आप यह बेल ग्रो हुई है। और यह देखिए पत्तों के पीछे छुपी हुई रहती हैं। काफी अच्छे साइज की तोरियां लगी हुई हैं। और यह है हमारी आज की हार्वेस्टिंग। आज हमने अपने नेचुरल गार्डन से इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।